तो फाइनली दोस्तों AKT अपनी 160 सीसी मोटरसाइकिल को हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट टक्कर देने वाली है यहाँ पे होंडा कंपनी की यूनिकॉर्न 160 को। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग इसी बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस बाइक को जो ना हमारे इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे ऑलरेडी सेल किया जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर लुक्स के बारे में बात करी जाए तो बाइक का लुक्स दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, जो कि देखने के मामले में दोस्तों ठीक ठाक ही लग रही है। लेकिन मैं अगर आप लोग को पर्सनल बताऊं तो इस बाइक का जो लुक है दोस्तों आप लोग को किसी भी एंगल से 160 सीसी जैसा नहीं लगेगा। इस बाइक का जो लुक है आप लोग को 125 सीसी जितना ही देखने को मिलता है। तो बाइक का जो लुक है यहाँ पे कंपनी को और थोड़ा सा स्पोर्टी देना चाहिए था। बाकी दोस्तों फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इस पर दोस्तों आप लोग को ठीक ठाक ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक इस पर दोस्तों आप लोग को हेलोजन लाइटिंग सेटअप के साथ जो है एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसपे कि दोस्तों आप लोग को नॉर्मल सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बाइक पे आप लोग को कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बाइक पे जो आप लोग को सिंगल डिस्प्ले के साथ सिंगल चैनल ABS और USB चार्जिंग पॉइंट जैसे काफ़ी सारे फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही। बाकी दोस्तों इंजन के बारे में बताऊँ तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को 160 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 14.1 BHP के आसपास में जो है पावर देखने को मिलेगी और जो टॉर्क है ये लगभग आप लोग को 13.5 Nm तक का देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों 1,50,000 रुपए के आसपास में एक्सपेक्टेड प्राइसिंग बताया जा रहा है। बाकी लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक को जो है ना कंपनी ऑलरेडी हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे सेल कर रही है। तो अब आप लोग अपना ओपिनियन बताइए दोस्तों कि क्या इस बाइक को हमारे इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।